मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें जिसने हमें दिन भर संभाल के रखा और आने जाने में मदद और सहायता की। तो आइए उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं, अपने आँखें बंद करते हैं। हालेलुया, मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, मेरी आने जाने में मदद और सहायता की प्रभु जी, हर एक उन दुर्घटनाओं से प्रभु जी आपने सुरक्षित रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक उन बीमारियों से प्रभु जी जो अचानक आ पड़ती हैं प्रभु जी, आपने मुझे सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी। स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम है जो स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर ये सुंदर शाम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, कि अब तक हम सही सलामत हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो पिता परमेश्वर हम बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान से भरें मेरे पिता परमेश्वर, जिससे वो अपने दिल की बात है प्रभु जी आपसे कह सके मेरे पिता परमेश्वर, आपसे हर एक सुख दुख की बातें अपनी कह सके मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक चिंता फिक्र उनके दिल से निकालना मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा सहायक और छुड़ाने वाला है, तू शरण स्थान है मेरा और संकट से अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, क्या ही सुहावने हैं वो पाए जो सुसमाचार लाते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन गांव नगर नगर क्षेत्र में जाते हैं प्रभु जी, उनकी अगुवाई के मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि वो घर पर आ गए हैं तो पिता परमेश्वर उन्हें अच्छी नींद देना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं से हर एक उन प्रभु जी जो चिंता है सताती है, उन सभी चिंताओं से आज़ाद करना मेरे पिता परमेश्वर, मुक्त करना, चिंताओं से दूर करना प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और सुबह का फजल देना जैसे अधूरे कार्य को पूरा कर सकें मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जो मार्ग में रह गए, किसी के घर पर ठहर गए पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करना पिता परमेश्वर, मन और हृदय पर नियंत्रण करना, ऐसे कोई कार्य ना हो जो प्रभु जी आप की दृष्टि में गलत हो मेरे पिता परमेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखना प्रभु जी, रात भर उन्हें सुरक्षित रखना मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आगे का समय पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जैसे आपने हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, हर एक बीमारियों से, हर एक उन दुर्घटनाओं से प्रभु जी आगे भी संभाल के रखना पिता परमेश्वर, हर एक उन सपनों को प्रभु जी जो रात में परेशान करते हैं हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु जी, हर एक उन बीमारियों को जो अचानक आ पड़ती हैं यीशु के नाम से दूर करता हूँ प्रभु जी, तेरे पवित्र लहू में छुपाता हूँ पिता परमेश्वर, मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर, आदर महिमा आपको मिले, आपके नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर, मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।